गैस नहीं है, भरी हुई नहीं है, पैसा की परेशानी है। बड़ी मेहनत मजदूरी करके ना किसान ना मजदूर, जो दो चार बीघा वालों ना किसान है ना मजदूर है। हाँ छप्पड़ पर हो, बारिश हो तो हम बड़े परेशान। पिछले साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 12वीं फेल। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक बेहद गरीब परिवार का लड़का यूपी के छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ जाता है। वो मेहनत मजदूरी करता है, आटा पीसता है, मगर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता। अपने अंदर के जुनून से ही वो तमाम मुश्किलों के बाद भी यूपीएससी क्रैक करता है और फिल्म के अंत में आईएएस ऑफिसर बन जाता है। हालांकि उस फिल्म की कहानी असली आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार के ऊपर बेस थी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। तो हम आपको बता दें कि ये सोच गलत है, ऐसा असल जिंदगी में भी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जिसमें एक युवक अपने छोटे से गांव के कच्चे पक्के मकान में रहते हुए आईएएस अफसर बनने का सपना देखता है और फिर सालों के कड़े तप के बाद उसे पूरा भी कर लेता है। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर के रहने वाले 24 साल के पवन कुमार की, जिन्होंने दिल्ली में आकर अपने गाँव और पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। कहते हैं मेहनत और लगन हो तो मंजिलें दूर नहीं होती। पवन कुमार ने अपनी मेहनत के चलते ये करिश्मा कर दिखाया है। उनका मकान कच्चा था लेकिन इरादे पक्के थे। तमाम परेशानियां आई लेकिन वो डटे रहे और यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 पास करके ही माने। पवन कुमार ने यूपीएससी क्रैक करके 239वीं रैंक हासिल की है। ये तस्वीरें पवन के कठोर तप की कहानी बयां करने के लिए काफी है। पवन का घर कच्चा है, छत पर तिरपाल लटकी है, उसी के नीचे परिवार भी है और पशु भी। घर में बिजली कनेक्शन तो है लेकिन गांव में बिजली की कमी है। कोई खास सुख सुविधा मौजूद नहीं है जो आजकल के बच्चों को मिलती है। मोदी सरकार की चलाई उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी है लेकिन परिवार के पास सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है, इसलिए लकड़ियों और उपलों से चूल्हा जलता है, तब जाकर दो वक्त की रोटी बनती है। खेतीबाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले पवन के पिता मुकेश कुमार कहते हैं कि जब उन्हें स्मार्टफोन की जरूरत थी तो घर में सबने मजदूरी की, जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए, तब जाकर उनके लिए 3,200 रुपए का पुराना मोबाइल खरीद सके। उसकी मेहनत पढ़ाई लिखाई और हमारे उसका सहयोग परिश्रम करके उसको पैसा देना देने और अपनी स्थिति के आधार मुताबिक बड़ी मेहनत करने के बावजूद उसको हमने यहाँ तक पहुँचे लेके उसकी मेहनत जैसे भी रिजल्ट आया वो सब आपको सामने। मजदूरी करते हैं अगर आपका बड़ी मेहनत मजदूरी करके ना किसान ना मजदूर, जो दो चार बीघा वालों ना किसान है ना मजदूर, जैसे जैसे समय पड़ता रहा वैसे कई मेहनत करने की छुट्टी में लगने उसको हम पढ़ाई के लिए खर्चा पानी देते रहे। पवन की माँ सुमन एक गृहिणी है, घर में तीन बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन गोल्डी बीए की पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती है। दूसरी बहन सृष्टि है जो फिलहाल बीए कर रही है और सबसे छोटी बहन सोनिया कक्षा 12वीं में पढ़ती है। आज भी पवन की माँ और बहन जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर रोटी और सब्जी बना रहे हैं, लेकिन बेटे की कामयाबी से बेहद खुश हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, गांव के लोग घर के आंगन में बैठकर परिवार की खुशियों में चार चांद लगा रहे हैं। परिवार में आज जश्न का माहौल है। बस ये महसूस कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आज यहाँ तक आए गए हूँ। हाँ छप्पड़ पर हो, बारिश हो तो हम बड़े परेशान हैं। गैस नहीं है, भरी हुई नहीं है, पैसा की परेशानी है। वैसे ऐसे ही पढ़ते थे हम भी, ऐसी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और क्या किसान है आदमी है, हम क्या कर सके हैं। बस इतनी ही हमने मेहनत मजदूरी करके हम यहाँ तक लाए। बस ऐसे ही पढ़ते थे, क्या नाम है, अपने शांति माहौल में और अपना शांति रखे घर में वो पढ़ता रहे। गाँव से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई यूपीएससी क्रैक करके 239वीं रैंक हासिल करने वाले पवन कुमार की मेहनत की जमकर सराहना कर रहा है। छत्तीसगढ़ कैडर से आईएएस अवनीश शरण ने भी पवन कुमार की तारीफ की है। अवनीश ने अपने अकाउंट एक्स पर पवन के घर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ये है पवन का घर,
इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 243वीं रैंक पाई है। मेहनती लोग अपना भविष्य खुद लिखते हैं। अब बात उस शख्स की जिसकी हर ओर चर्चा है। पवन के पिता बताते हैं उन्होंने पहली बार क्लास से 12वीं तक गांव के आम स्कूलों में ही पढ़ाई की है। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर दिल्ली के मुखर्जी नगर जाकर एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग ली। वहीं पवन का कहना है कि यूपीएससी की पढ़ाई करते वक्त दिल्ली में कई तरह की परेशानियां आईं, लेकिन उनके माता पिता और दोस्तों ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। मेरा उन सभी लोगों से कहना है जो कि फाइनेंशियल क्रंच की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या जो गिव अप करने की सोच रहे हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है कि ये एग्जाम लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो आपके फाइनेंशियल इशूज हैं वो आपके कॉन्स्टेंट नहीं बनने चाहिए। आप इसके लिए कई तरह से चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एकदम ये नेसेसरी नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये मिथ है कि कोचिंग करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा एरिया है और सेल्फ स्टडी पर रिलाई करना होगा। जो कोचिंग करते हैं उनका भी यही रहता है कि 30% उनकी कोचिंग है, बाकी 70% उनको अपनी जो सेल्फ स्टडी है उस पर रिलाई करना रहता है। दूसरा चीज़, आप जैसे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मेरे केस में तो ऐसी नौबत नहीं आई कि मैंने पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी हो। इसके लिए मैं मतलब थैंक्स करना चाहूँगा अपने माता पिता को, जिन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होने के बाद भी मेरी बहनों ने, मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया मेरी पढ़ाई सस्टेन करने के लिए। और पर्टिकुलरली इस केस में कि मेरा 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। इसके बाद भी मुझे दिल्ली जैसे शहर में स्टे कराना और कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट करना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। इसके अलावा मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मेरे मामा जी हैं, मेरी मौसी हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं एक दोस्त का स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, मेरी दोस्त हैं प्रियंका, जो कि मेरी बैचमेट भी हैं, उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प की है। तो फाइनेंशियल रीजंस आपके कॉन्स्टेंट नहीं बनने चाहिए। आप ड्रीम एस्पायर करो और इन ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए आप मेहनत करो, और जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए आप कई सारी चीज़ें, आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं। पवन बताते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीसरी बार में उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है। बीच में हौसला टूटा, कई बार रोए, काम करने की भी सोची, लेकिन उनकी माँ ने हौसला बढ़ाया और उन्होंने सेल्फ स्टडी पर फोकस किया। जी सर, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो मैं उसमें फुली प्रिपेयर्ड नहीं था, वो मैंने बस दे दिया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था। लेकिन मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैंने मेंस लिखा, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। सर उस टाइम मैं बहुत निराश था, मैं रो रहा था, मतलब मैं क्राई कर रहा था, मेरी माता जी से मैं बात कर रहा था, मैं एकदम रो रहा था, मैं परेशान था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने काफ़ी मेहनत की थी। तो उस टाइम मेरी माता जी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार आपका पक्का होगा, आपकी मेहनत अच्छी है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हमको भरोसा है कि आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मेरी माताजी ने उस टाइम मेरी हौसला अफजाई की। उसके बाद में फिर मैंने इवेलुएट किया अपने आप को कि कहाँ पे कमियाँ रही हैं। इस दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहाँ मुझे लगा कि मतलब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो बीच में मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों ना कुछ पार्ट टाइम कहीं कंटेंट राइटर की जॉब कर लूँ। इसके लिए मैंने एक संस्थान में एक दिन में गया, अभी वहाँ पे जाके मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए एक दिन मैं वहाँ पे ज्वाइन किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं 7 से 8 घंटे वहाँ पे दूंगा, उसके बदले में वो अराउंड 500 मुझे पर डे पे करने के लिए बोल रहे थे। तो मेरे दिमाग में वहाँ बैठे बैठे मैं जब कंटेंट डिज़ाइन कर रहा था, तो मेरे बात दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि मैं 7-8 घंटे यहाँ दूंगा इस कंटेंट डिज़ाइन में, उतना टाइम अगर मैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दूँ तो मैं इससे कहीं बेहतर कर सकता हूँ। तो उस टाइम मैंने जो मेरी अर्जेंट नीड थी, जो मेरी अर्जेंसी थी कि मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, मैंने उसको थोड़ा सा ओवरकम करते हुए एक लॉन्ग टर्म अपने आप को प्लान किया कि भाई आज मैं 7-8 घंटे इसके बजाय अपनी तैयारी में दूँ ताकि मैं अच्छा कर पाऊँ। पवन कुमार की कहानी एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनाने का ख्वाब तो देखते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। वक्त और हालात के चलते बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि आज एक किसान का बेटा सेल्फ स्टडी करके अफसर बन पाया। मेहनत और शिद्दत से अगर कोई लक्ष्य पाने का सपना देखा जाए तो उसे जरूर पूरा किया जा सकता है। जैसे आज पवन कुमार के माता पिता को उन पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल दी है बल्कि पूरे देश में अपने माता पिता और गांव का नाम रोशन किया है। शेष भारत की ओर से भी पवन कुमार को ढेरों बधाइयां। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए शेष भारत।